जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभूतपूर्व। दूसरा क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं। अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। जो कहा ना जा सके, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकथनीय। तीसरा क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल उसको क्या कहते हैं। अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहते हैं। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं। अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको कहते हैं सुग्रीव। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। सच, झूठ, अवास्तविक, अनिश्चित। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवास्तविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नियोग में प्रयुक्त समास को क्या होगा। नियोग में अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधार। नियोग में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनर्धन विवाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, दीर्घायु। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निष्प्राण, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिस्तौल। ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सजावट, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। आपने सेब खाया, मिठास का आनंद लिया, तो आप किस भाव, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। कहने का मतलब अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि ये सेब जो है ये बहुत मीठा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुलनात्मक। अगला क्वेश्चन, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जवाहर है जो, ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा? उत धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रणार्थक क्रिया। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है गाइस, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति होगी, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपादान। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची शब्द होगा? जनार्दन, अपंगा, अर्पण, मुकुंद। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या और वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन, अपनापन, जलमय, लड़कपन। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलमय। अगला क्वेश्चन, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम होगा? उपयोगी। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास होगा अव्यभाव, कर्मधार, दिग् या फिर द्वंद्व। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास होगा कर्मधार समास, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। तो गंगा जल जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होता है संतोष होना। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबधन 22 पसेरी लोक तृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना या फिर संतोष करना। सबधन 22 पसेरी लोक तृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको समान समझना। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 28 से 30, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा?
इसका शुद्ध वाक्य होगा मधु ने मिठास भरा गीत गाया। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला पंत, महादेवी वर्मा प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अनामिका जो है ये निराला की काव्य संग्रह है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी रचना है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। चित्रलेखा धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब विकल सब रोहोई रानी, रूप सिल बज तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारंबारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस या वीर रस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका करुण रस। अगला क्वेश्चन, ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावो कुंदक एवं ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमि डारो फूरी, सकौ मेरु मूसक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या रौद्र रस। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, खद्दर कुर्ता भबको नेता जैसी चाल, यही बालक मोहन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्जरित। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 247, 350। ये कहा गया 343 धारा में। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी भी होगा, सुरनदी भी होगा और स्वर्ण नदी। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल ना होना ये क्या कहलाता है? अनुवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, उज्ज्वल में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतवासी। मनोहर में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, विसर्ग या दीर्घ। मनोहर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समधन तोष, यहां पर हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। तत्पुरुष होगा नहीं, बहुप्रीय होगा नहीं, अव्ययीभाव हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगुद्वंद, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। द्विगु समास, त्रिभुज में हो जाएगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा।